अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था पॉलिनेशन, उसकी टाइप्स, डबल फर्टिलाइजेशन, फ्रूट फॉर्मेशन। नाउ हम स्टार्ट करेंगे फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। नॉर्मली क्या होता है कि फ्रूट और सीड फॉर्मेशन यूजुअली अकर आफ्टर फर्टिलाइजेशन, के फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट फॉर्मेशन और सीड फॉर्मेशन होती है। बट सम फ्रूट मे फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पार्थिनोकार्पी, दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ सीड प्लस फ्रूट लाइक बनाना। नेक्स्ट हमारे पास अडेप्टेशन इन द स्ट्रक्चर ऑफ विंड पॉलिनेटेड और इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स, कि ऐसे प्लांट जिनमें पॉलिनेशन बाय विंड या बाय इंसेक्ट्स होती है, उनके स्ट्रक्चर्स में क्या डिफरेंस है। तो हम पहले ही देख चुके हैं कि जो वेज हैं पॉलिनेशन के वो क्या है, बाय विंड हो सकता है, बाय वाटर, बाय इंसेक्ट्स, बाय एनिमल्स। सो अडेप्टिव कैरेक्टर्स ऑफ विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड प्लांट, कैसे प्लांट जिनमें पॉलिनेशन बाय विंड या फिर बाय वाटर होती है, उनमें क्या कैरेक्टर्स होंगे। सो द फ्लावर ऑफ दिस प्लांट आर नॉन अट्रैक्टिव, स्मॉल इन साइज एंड डू नॉट बियर एनी ऑर्डर, क्योंकि इनमें पॉलिनेशन कैसी है, बाय विंड और बाय वाटर। फ्लावर अट्रैक्टिव कब होते हैं, जब उन्हें इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना होता है। ऐसे प्लांट जिनमें पॉलिनेशन इंसेक्ट्स के थ्रू होती है, उनमें हमें जो फ्लावर्स हैं वो अट्रैक्टिव मिलेंगे, उनमें पेटल्स कलरफुल होंगे, सेपल कलरफुल होंगे। लेकिन यहाँ पर जो पॉलिनेशन है वो वाटर और विंड के थ्रू है, इसलिए यहाँ पर जो फ्लावर्स हैं वो नॉन अट्रैक्टिव हैं और स्मॉल इन साइज हैं। दे प्रोड्यूस पॉलन ग्रेन इन हाई क्वान्टिटी, क्योंकि इनमें जो डिस्पर्जन हो रही है पॉलन ग्रेन की, वो बाय विंड और बाय वाटर है, जिससे लार्ज अमाउंट ऑफ पॉलन ग्रेन वेस्ट हो सकता है, लॉस हो सकता है, और बहुत कम चांसेस है फिर फर्टिलाइजेशन के अगर पॉलन ग्रेन कम क्वान्टिटी में हो। इसीलिए पॉलन ग्रेन हाई क्वान्टिटी में है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन का रेट या पॉसिबिलिटी इंक्रीज हो सके। नाउ द पॉलन ग्रेन आर वेरी लाइट इन वेट, क्योंकि उन्हें कैरी कौन कर रहे हैं, विंड, और वो वाटर के थ्रू ट्रैवल कर रहे हैं। दे डू नॉट बियर हाई क्वान्टिटी ऑफ नेक्टर। नेक्टर क्या है, एक स्टिकी विस्कस सब्सटेंस है जो कि फ्लावर प्रोड्यूस करता है और जिसको इंसेक्ट्स यूज़ करते हैं। तो इनमें अगेन वही बात है कि इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो पॉलिनेशन है वो वाटर और विंड के थ्रू हो रही है, इसलिए यहाँ पर नेक्टर प्रोड्यूस नहीं होगा, यहाँ पर बहुत कम क्वान्टिटी में होगा। अडेप्टेटिव कैरेक्टर इन इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट, द फ्लावर आर लार्ज इन साइज, ब्राइट कलर पेटल हैं और सेपल, क्योंकि इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना है। पॉलन ग्रेन हैव स्टिकी सब्सटेंस, स्पेशल ऑर्डर, प्रोड्यूस हाई क्वांटिटी ऑफ नेक्टर। नेक्टर भी स्टिकी और विस्कस सब्सटेंस है, इसके अलावा जो पॉलन ग्रेन है वो भी स्टिकी सब्सटेंस प्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि जो पॉलन ग्रेन है इंसेक्ट से अटैच हो सके, उससे स्टिक हो सके। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सीड एंड इट्स स्ट्रक्चर। सीड क्या है, ओव्यूल आफ्टर डेवलपमेंट सीड फॉर्म करता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जो ओव्यूल है वो कन्वर्ट हो जाता है सीड में, और जो ओवरी है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। सो सीड मे बी डिफाइंड एज रैपिड ओव्यूल और इट इज़ फर्टिलाइज डेवलप ओव्यूल विच कंटेन डोमेंट एम्ब्रियो, क्योंकि आफ्टर फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो फॉर्म हो चुका था ओव्यूल में। सो द सीड कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स, सबसे पहले हमारे पास है सीड कोर, देन एम्ब्रियो, कॉटिलेडन, सम टाइम एंडोस्पर्म। सो द आउटर वॉल ऑफ सीड विच डेवलप फ्रॉम इंटेग्यूमेंट ऑफ ओव्यूल कॉल्ड सीड कोर। सीड कोर कंसिस्ट ऑफ एन आउटर थिक लेयर टेस्टा और इनर थिन वॉल कॉल्ड टैगमेन। हमने देखा था ओव्यूल था, उसके ऊपर दो कवरिंग थी इंटेग्यूमेंट की, आउटर इंटेग्यूमेंट और इनर इंटेग्यूमेंट। तो जब फर्टिलाइजेशन हो गई, ओव्यूल डेवलप हो गया, तो ये जो इंटेग्यूमेंट थी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सीड कोट में। तो जो आउटर इंटेग्यूमेंट था वो बना लेगा टेस्टा, इनर इंटेग्यूमेंट टैगमेन। द एम्ब्रियो डेवलप फ्रॉम डिप्लॉइड साइकॉट, इट इज़ अ स्मॉल एक्सिस लाइन बिटवीन टू कॉटिलेडन। एम्ब्रियो जो किससे बना था, डिप्लॉइड साइकॉट, वो किस में कन्वर्ट हुआ था, एम्ब्रियो में। ये क्या है, स्मॉल एक्सिस, एक स्मॉल सा पार्ट है, कहाँ प्रेजेंट है, बिटवीन टू कॉटिलेडन, इस तरह दिख रहा है। ये क्या है, कॉटिलेडन, सीड लीफ पीछे से कहते हैं, उसके बिटवीन प्रेजेंट है ये एम्ब्रियो। द अपर एंड कॉल्ड प्लूम्यूल एंड द अदर लोअर एंड कॉल्ड रेडिकल। ड्यूरिंग जर्मिनेशन प्लूम्यूल डेवलप इनटू शूट वाइल रेडिकल डेवलप इनटू रूट। हमारे पास जो एम्ब्रियो है उसका जो अपर पोर्शन है वो क्या है, अपर एंड प्लूम्यूल, इस तरह डायग्राम में दिख रहा है। ये किस में डेवलप होगा, शूट सिस्टम बनाएगा। इसके अलावा जो लोअर एंड है एम्ब्रियो का वो क्या है, रेडिकल, जो किस में डेवलप होगा, रूट सिस्टम में। सीड ऑल्सो कंटेन लीफ लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड कॉटिलेडन, दे आर आइदर वन और टू, ऑन द बेसिस ऑफ दीज नंबर द सीड आर क्लासिफाइड टू मोनोकॉट और डायकॉट, जिसमें एक कॉटिलेडन है वो है मोनोकॉट प्लांट्स, जिसमें दो कॉटिलेडन है वो क्या है, डायकॉट सीड या फिर डायकॉट प्लांट। इन एंडोस्पर्मिक सीड दीज कॉटिलेडन आर थिन एंड पेपर लाइक, जैसा कि हमने पहले देखा था कि कुछ सीड्स में एंडोस्पर्म प्रेजेंट होगा और कुछ में नहीं होगा, तो ऐसे सीड्स जिसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट है, इनमें कॉटिलेडन आर थिन और पेपर लाइक है। लेकिन ऐसे प्लांट जिनमें एंडोस्पर्म एब्सेंट है, उनमें कॉटिलेडन कैसा है, बिकम स्वेलन एंड थिक लाइक पी प्लांट के एग्जाम्पल है, क्योंकि एंडोस्पर्म का फंक्शन क्या था, वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है सीड को, और
स्टोर्ड फॉर्म है न्यूट्रिशन की, लेकिन अगर एंडोस्पर्म एब्सेंट है तो फूड कहाँ स्टोर होगा, न्यूट्रिशन कहाँ स्टोर होगा, कॉटिलेडन में। इसी वजह से कॉटिलेडन कैसा हो जाएगा, स्वेलन और थिक। सो अभी तक हमने जितने स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं हम उनको डायग्राम से पहले समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास सीड है जो कि क्या है, डेवलप ओव्यूल, फर्टिलाइज ओव्यूल। सबसे पहले इसकी जो आउटर कवरिंग है ये क्या है, सीड कोट। किससे बनी थी, इंटेगमेंट से। दो इंटेगमेंट की लेयर थी, सेम उसी तरह दो सीड कोट की लेयर है, आउटर और इनर। आउटर स्कॉल टेस्टा, इनर स्कॉल टैगमेन। इसके बाद हमारे पास एम्ब्रियो है, इसका जो अपर पार्ट है प्लूम्यूल है जो कि शूट सिस्टम बनाता है प्लांट का। लोअर एंड रेडिकल है जो कि रूट सिस्टम बनाता है। नेक्स्ट है हमारे पास कॉटिलेडन। कॉटिलेडन क्या है, इसे हम सीड लीफ भी कहते हैं। ये कोई ट्रू लीफ नहीं है बल्कि इनका फंक्शन क्या है, सीड को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। जिस तरह एक डेवलप प्लांट में लीफ का क्या फंक्शन होता है कि वो उस प्लांट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, इसी तरह हमारे पास जो कॉटिलेडन है इसका फंक्शन क्या है कि वो इस सीड को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, फूड मटेरियल प्रोवाइड करता है। तो इसीलिए इसको हम सीड लीफ कहते हैं, बट दे आर नॉट ट्रू लीव्स। कुछ सीड्स में हमारे पास एंडोस्पर्म प्रेजेंट है जो कि सीड को न्यूट्रिशन देता है। अगर हमारे पास एंडोस्पर्म नहीं है सीड में तो कौन न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, फिर कॉटिलेडन। सो द हाइलम इज अ स्कार प्रेजेंट इन द सीड कोट, द वाटर एंटर इन टू द सीड थ्रू अ वेरी स्मॉल होल इन द सीड कोट, दिस पोर इज कॉल्ड माइक्रोपाइल। सो इस डायग्राम में हम देख सकते हैं हाइलम और माइक्रोपाइल। हाइलम क्या है, एक स्कार लाइक स्ट्रक्चर जब ये ओव्यूल ओवरी के बॉल से अटैच था एंड देन जब वो सेपरेट हुआ तो एक मार्क या एक स्कार यहाँ पे हमें दिखता है जिसे हम क्या कहते हैं, हाइलम। और एक माइक्रोपाइल है, हमारे पास एक ओपनिंग है। इससे क्या होता है, जब हम सीड को सॉइल में एम्बेड करते हैं और वाटर प्रोवाइड करते हैं तो वाटर इस ओपनिंग के थ्रू फिर सीड में एंटर होता है। नेक्स्ट इन्होंने मोनोकॉट सीड के बारे में बताया हुआ है कि इन सब मोनोकॉट सीड राइपन ओवरी वॉल कॉल्ड पेरिकार्प गेट फ्यूज परमानेंटली विद सीड कोट एज फाउंड इन मेज ग्रेन। मेज ग्रेन की एग्जाम्पल है। इसमें क्या होता है कि जो राइपन ओवरी की वॉल है वो इस सीड कोट से अटैच रहती है परमानेंटली। इस ओवरी वॉल को क्या कह रहे हैं, पेरिकार्प। अब इंटरनल स्ट्रक्चर, नाउ इंटरनली द मेज ग्रेन इज डिवाइडेड इंटू टू अनईक्वल पार्ट बाय अ थिन लेयर ऑफ सेल कॉल्ड एपिथीलियम। ये जो थिन लेयर है सेल की, ये क्या है, एपिथीलियम। इसने क्या किया, जो मेज ग्रेन के इंटरनल स्ट्रक्चर है इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। सो द लार्जर पोर्शन इज एंडोस्पर्म, लार्जर पोर्शन दिख रहा है डायग्राम में, ये क्या है, एंडोस्पर्म। एंड द स्मॉलर इज एम्ब्रियो, और स्मॉलर पोर्शन है ये क्या है, एम्ब्रियो। इन द एम्ब्रियोनिक पार्ट अ शील्ड शेप कॉटिलेडन इज प्रेजेंट, इसमें हमारे पास कॉटिलेडन है कॉल्ड स्क्यूटलम। मोर ओवर द प्लूम्यूल एंड रेडिकल आर इनक्लोज इन प्रोटेक्टिव शीट कॉल्ड कॉलिप्टाइल एंड कॉलोराइजा रेस्पेक्टिवली। प्लूम्यूल के अराउंड जो प्रोटेक्टिव शीट है वो क्या है, कॉलिप्टाइल, और रेडिकल के अराउंड जो प्रोटेक्टिव शीट है वो क्या है, कॉलोराइजा। सो मेज सीड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एलएस डायग्राम बनी हुई है मेज सीड की। मोनोकॉट प्लांट है, इट मींस इसमें वन कॉटिलेडन प्रेजेंट है। तो सबसे पहले यहाँ पे इसका एलएस सेक्शन बना हुआ है। इसमें क्या होता है कि जो ओवरी की वॉल है वो इससे अटैच रहती है परमानेंटली। इसके अलावा इंटरनल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास एक लार्जर पोर्शन है और एक स्मॉलर पोर्शन है डिवाइडेड बाय एपिथीलियम, एपिथीलियल लेयर। एंडोस्पर्म ये क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो को। इसके अलावा अगर हम एम्ब्रियोनिक सेक्शन की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास प्लूम्यूल और रेडिकल हैं जो कि कवर हैं बाय प्रोटेक्टिव शीट कॉलिप्टाइल, प्लूम्यूल जिससे कवर है, देन कॉलोराइजा जिससे रेडिकल कवर है, डायग्राम में दिख रहा है। स्क्यूटलम क्या है, जो कॉटिलेडन प्रेजेंट है, शील्ड शेप कॉटिलेडन। सो अगेन हम इस डायग्राम में देख सकते हैं ये हमारे पास मोनोकॉट प्लांट है, इसमें हमारे पास एक ही कॉटिलेडन प्रेजेंट है। सीड कोट एंड फ्रूट वॉल, जिस तरह मैंने देखा ओवरी की वॉल परमानेंटली अटैच है सीड कोट से। देन अगर हम इंटरनली बात करें तो इंटरनल स्ट्रक्चर्स दो पार्ट में डिवाइड हुए हुए हैं बाय एपिथीलियल लेयर। हमारे पास एक लार्जर पोर्शन है दैट इज एंडोस्पर्म और एक एम्ब्रियोनिक पोर्शन है जो कि स्मॉलर पोर्शन है। अब एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर की फर्दर बात करें तो स्क्यूटलम जो कि हमारे पास कॉटिलेडन है, प्लूम्यूलर रेडिकल प्रेजेंट है, प्लूम्यूलर रेडिकल कवर है बाय प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन, प्लूम्यूल कवर है कॉलिप्टाइल से और रेडिकल कवर है कॉलोराइजा से। सो अगर हम बात करें डायकॉट सीड्स की तो हमारे पास सबसे पहले आउटर कवरिंग है दैट इज कॉल्ड सीड कोट, दो लेयर्स हैं आउटर टेस्टा इनर टैगमेन जो किससे बनी है, इंटैगमेंट से। उसके बाद हमारे पास एम्ब्रियोनिक पार्ट है, एम्ब्रियो है जिसका अपर पोर्शन प्लूम्यूल है और लोअर पोर्शन रेडिकल है। प्लूम्यूल आगे डेवलप होगा और शूट सिस्टम बनाएगा जबकि रेडिकल डेवलप होगा और रूट सिस्टम बनाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है कॉटिलेडन जो कि सीड लीव्स हैं। कॉटिलेडन का क्या फंक्शन है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है सीड को। हमारे पास हाइलम है जो कि एक स्कार है, एक मार्क है।
ये क्या शो करता है? ओव्यूल की अटैचमेंट ओवरी की वॉल से। नेक्स्ट माइक्रोपाइल एक ओपनिंग है जिसके थ्रू वाटर एंटर होता है सीड में। इस डायग्राम में हम डिफरेंस देख सकते हैं बिटवीन मोनोकॉट और डाइकॉट। इसमें एक ही कॉटिलेडन है और इसमें दो कॉटिलेडन्स प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास टर्मिनेशन ऑफ सीड। ब्रेकिंग ऑफ सीड डॉर्मेंसी इज कॉल्ड सीड टर्मिनेशन। हमारे पास दो चीज़ें, एक सीड डॉर्मेंसी और एक सीड टर्मिनेशन। सीड डॉर्मेंसी क्या है? स्लीपिंग पीरियड है। इट मीन्स वो फेज, वो टाइम जिस वक्त सीड डेवलप नहीं हो रहा। क्यों डेवलप नहीं हो रहा? क्योंकि उसे फेवरेबल इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा, उससे जो चीज़ें चाहिए वो उसे नहीं मिल रही हैं, इसलिए सीड अभी डॉर्मेंट कंडीशन में है। लेकिन जैसे उसे फेवरेबल इन्वायरमेंट मिल जाएगा वो जर्मिनेट होना शुरू हो जाएगा। इट मीन्स वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह पर जर्मिनेशन का प्रोसेस होगा। सो सिंपली ब्रेकिंग ऑफ सीड डॉर्मेंसी इज कॉल्ड सीड जर्मिनेशन। की जो स्लीपिंग पीरियड है उसको ख़त्म करना ये क्या है? सीड जर्मिनेशन। क्योंकि जैसे ही सीड डॉर्मेंसी का पीरियड ख़त्म होगा क्या स्टार्ट होगा? सीड जर्मिनेट करना स्टार्ट होगा। एज अ रिजल्ट ऑफ जर्मिनेशन सीड डेवलप इनटू सीडलिंग। सीडलिंग क्या है? बेबी प्लांट। जैसे ही जर्मिनेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा सीड किस में डेवलप होगा? सीडलिंग में। नाउ देर आर सम कंडीशंस नेसेसरी फॉर सीड जर्मिनेशन। ऑनली लिविंग सीड कैन जर्मिनेट। रिक्वायर ऑप्टिमम कंडीशन ऑफ मॉइस्चर ऑक्सीजन एंड टेम्परेचर के जो उसे रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो मिलेंगी तभी सीड जर्मिनेट होगा। सो फर्स्ट है रोल ऑफ वाटर। इट मीन्स जो मॉइस्चर है वाटर एसेंशियल फॉर लाइफ बिकॉज मेटाबॉलिक एक्टिविटी डिपेंड ऑन वाटर। इसके अलावा सीड कोर बिकम सॉफ्ट बाय वाटर। कॉटिलेडन एंड एंडोस्पर्म एब्जॉर्ब वाटर बाय इम्बाइबिशन बिकम स्वेलन एंड एक्सर्ट प्रेशर ऑन सीड कोर टू ब्रेक सो द एम्ब्रियो कम्स आउट टू ग्रो। एंजाइम बिकम एक्टिवेटेड बाय वाटर सॉलिड प्रिजर्व फूड चेंज इनटू सॉल्यूशन। अब होगा क्या? हमने जैसे ही सीड को मॉइस्चर प्रोवाइड किया, जिस तरह हम उसको सॉइल में एम्बेड करते हैं और वाटर प्रोवाइड करते हैं, उससे क्या होता है? जो वाटर है वो थ्रू माइक्रोपाइल सीड में एंटर होगा। उसके बाद जो सीड कोट है हार्ड स्ट्रक्चर है, लेकिन जैसे ही उसे वाटर मिलेगा तो वो वाटर एब्जॉर्ब करके सॉफ्ट बन जाएगा। इसके अलावा कॉटिलेडन और एंडोस्पर्म एब्जॉर्ब वाटर बाय इम्बाइबिशन बिकम स्वेल, वो भी स्वेल होंगे और प्रेशर एक्सर्ट करेंगे सीड कोट पे। तो जैसे प्रेशर एक्सर्ट होगा बाय कॉटिलेडन और एंडोस्पर्म सीड कोट रप्चर हो जाएगा, जिसकी वजह से जो एम्ब्रियो इनसाइड प्रेजेंट था अब वो बाहर आएगा और ग्रो करेगा इनटू सीडलिंग। नाउ रोल ऑफ ऑक्सीजन। द मेटाबॉलिक एक्टिविटी रिक्वायर एनर्जी। एनर्जी इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। सिंपली रेस्पिरेशन होगी जिसकी वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होगी। एनर्जी क्यों जरूरी है? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए, जो एंजाइम्स हैं उनकी एक्टिवेशन के लिए। रेस्पिरेशन के लिए क्या जरूरी है? ऑक्सीजन। नाउ टेम्परेचर। एंजाइम एक्टिविटी रिक्वायर्स सर्टेन टेम्परेचर रेंज। मोस्ट ऑफ द सीड रिक्वायर द टेम्परेचर रेंज बिटवीन 25 to 37। सीड टू नॉट जर्मिनेट एट टेम्परेचर 0 और अबव, क्योंकि एंजाइम सिंपली प्रोटीन इन नेचर है और हाई टेम्परेचर पे प्रोटीन डी नेचर हो जाता है। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन। हमने जर्मिनेशन देखा क्या है, क्या चीज़ें इसके लिए ज़रूरी हैं, कौन सी कंडीशंस रिक्वायर हैं, वो हमने देखा। अब हम देखेंगे टाइप्स क्या हैं जर्मिनेशन की। तो फर्स्ट हमारे पास है एपीजेल, देन हाइपोजेल। एपी कवर्ड हमेशा आता है अबव के लिए और जो जेल है ये निकला है जियो वर्ड से, इट मीन्स अर्थ। तो इस वर्ड का क्या मतलब बनता है? अबव द अर्थ। द टाइप ऑफ जर्मिनेशन वेयर सीड कम अबव द सॉइल ड्यूरिंग जर्मिनेशन। ऐसी टाइप जर्मिनेशन की जिसमें सीड जो नॉर्मली कहाँ प्रेजेंट था, हमने इसको सॉइल में एम्बेड किया था, लेकिन ड्यू टू सीड जर्मिनेशन उसकी वजह से वो सीड कहाँ आ जाए? सॉइल के बाहर, अबव द ग्राउंड। हाइपो का मतलब क्या है? हाइपो वर्ड किस लिए आता है? बिलो। और जियल किस से निकला है? जियो। इसका मतलब क्या है? अर्थ। सो बिलो द अर्थ इस वर्ड का मतलब है द टाइप ऑफ जर्मिनेशन वेयर सीड रिमेन इन द सॉइल ड्यूरिंग जर्मिनेशन। इस टाइप में क्या होगा? जो सीड है वो सॉइल के अंदर ही रहेगा। नेक्स्ट है द ग्रोथ रेट ऑफ हाइपोकोटाइल इज हायर देन एपिकोटाइल। तो पहले हम ये देखते हैं हाइपोकोटाइल क्या है और एपिकोटाइल क्या है। सो वो पॉइंट जहाँ से ये एम्ब्रियो एक्सिस अटैच है कॉटिलेडन से, उसके अबव जो पार्ट है ये है एपिकोटाइल और उससे नीचे जो पार्ट है ये हाइपोकोटाइल। एपिकोटाइल की जो टिप है ये प्लोम्यूल है और हाइपोकोटाइल का जो लोअर एंड है ये है रेडिकल। सो एपिजेल जर्मिनेशन में क्या होगा? द ग्रोथ रेट ऑफ हाइपोकोटाइल इज हायर देन एपिकोटाइल, जबकि हाइपोजेल जर्मिनेशन में द ग्रोथ रेट ऑफ एपिकोटाइल इज हायर देन हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल ग्रो इन द फॉर्म ऑफ आर्च, हाइपोकोटाइल डज नॉट ग्रो इन द फॉर्म ऑफ आर्च। द कॉटिलेडन बिकम ग्रीन व्हेन कम अबव दिस सॉइल एंड वर्क एज फर्स्ट फॉलिएज लीव, जबकि द कॉटिलेडन डू नॉट टर्न ग्रीन। सो इंस्टाग्राम हम देख सकते हैं एपिजेल जर्मिनेशन और हाइपोजेल जर्मिनेशन। जैसे हम देख सकते हैं इसमें जो हाइपोकोटाइल है उसका ग्रोथ रेट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एपिकोटाइल, और इसमें जो कॉटिलेडन है वो अबव द सॉइल आ चुका है, जबकि हाइपोजेल में जो कॉटिलेडन है
वो सॉइल में ही है, और इसमें जो एपिकोटाइल है उसका ग्रोथ रेट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हाइपोकोटाइल।